लेकिन ये एक जगह है जो मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती रही है. यहाँ पे भी कहते हैं कि सिक्का फेंकने से गुड लक होता है. ये 135 स्टेप्स हैं और हम चढ़ने वाले हैं. मन्नी कह रहा भाई आपके बच्चों को लगेगा लेकिन वो थकेंगे नहीं. इनको कह रहा पाकिस्तान बांग्लादेशी भाई. ट्रैवलिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा पता क्या है? देखो भाई एक और ये गाड़ी, ये पता नहीं यो हनी सिंह. कहते हैं कि जब रोम बसना शुरू हुआ था तो इसी जगह से बसना शुरू हुआ था. ये नेशनल मॉन्यूमेंट है इटली का. भाई किस किस का ड्रीम प्लेस है ये बताना जरूर यार. मन्नी थक गया यार. नहीं मैं नहीं थका हैं, तभी भी वॉक करूं. अच्छा हाँ. तो भाई ये देखो हम एक जगह पे यहाँ आ गए और आगे जा रहे हैं हम कहीं और जगह पे. भीड़ देखो पब्लिक हर जगह, पब्लिक ही पब्लिक मिलेगी हर जगह. भाई ये एरिया है स्पेनिश स्टेप्स का और ये यहाँ का एक बहुत ही पॉश एरिया है रोम का. ये देखो सारे बड़े बड़े स्टोर्स यहाँ मिलेंगे. डियोर, मोंकोर, प्रादा, सारे स्टोर यहाँ पे आपको मिलेंगे. बहुत ही पॉश एरिया है यहाँ का. भले ही कोलोजियम और ट्रेवी फाउंटेन ना या रोम के सबसे फेमस अट्रैक्शन होंगे लेकिन ये एक जगह है जो मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती रही है, जिसको कहते हैं यहाँ स्पेनिश स्टेप्स. और यहाँ पर नीचे भी ना एक फाउंटेन है. ये यहाँ पर भी कहते हैं कि सिक्का फेंकने से गुड लक होता है और रोम आने का सौभाग्य मिलता है. ये फाउंटेन है और यहाँ पे स्पेनिश स्टेप्स है मेरे फेवरेट. स्पेनिश स्टेप्स में 135 सीढ़ियाँ हैं जिनको 18वीं शताब्दी में पियाजा दी स्पैगना से त्रिनिटादेमोंटी चर्च तक जाने के लिए बनाया गया था. स्पेनिश स्टेप्स टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स के लिए भी एक पॉपुलर स्पॉट है जहाँ लोकल लोग स्टेयर्स पर बैठना पसंद करते हैं और तरह तरह के लोकल इवेंट्स जैसे फैशन शो और कॉन्सर्ट भी यहाँ होते हैं. आपने भी स्पेनिश स्टेप्स को बहुत सी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा. क्यूट है ना पापा? मन्नी को देख रहा, देख मन्नी देख रहा मन्नी. जाएगा नहीं ऊपर जाना प्लीज. क्या करेगा ऊपर जाके? आपके साथ चलना. यार ये जाना चाहता है वहाँ पे. चर्च देखनी है. चर्च देखनी है. थक जाएगा फिर? नहीं था पक्का. चल फिर. अभी तो मैंने 6 किलोमीटर चल गए हम तो. 11 किलोमीटर. अच्छा 2 किलोमीटर चल गए हम तो. ठीक है भाई. इतने तो बस हम तो स्काई तक चले जाएंगे थोड़ा सा. हाँ चल फिर. चल चल नहीं रोएगा यार. नहीं रोएगा ना? नहीं. ठीक है चलो भाई. यहाँ पे ना सारे बड़े बड़े शोरूम दिखे, सारे शिनेल, गुची, पराडा, बल्गारी, मॉन्सलर, हुबलो, मंदर, डीजल, सारे 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 शोरूम है बड़े बड़े. मंदिर मंदिर बदतमीज है. मंदिर चलो. मंदिर है वो. मंदिर नहीं है, चर्च है. मंदिर लग रहे. चलो अच्छा चुप चुप चुप. हाँ लेकिन लग रहे. ये 135 स्टेप्स हैं और हम चढ़ने वाले हैं. 135 135. मैं थक जाऊंगा, खांस पड़ा ना अभी से बुड्ढों की तरह. आप इन स्टेयर्स में तुम के बच्चे इन चोरी रह रहे इसलिए. अच्छा चढ़ गया मन्नी भी. ले रहा हूं
मन्नी कह रहा भाई आपके बच्चों को लगेगा लेकिन वो थकेंगे नहीं, वो मन्नी भी चढ़ गया आपके बच्चे भी चढ़ जाएंगे राइट। और मन्नी हमारा चुप रह नहीं सकता, मैं बोलूं डर रहा था ना, चुप होगा तो डरेगा है ना, नहीं तो बोलता ही रहेगा ऐसे फेस तो मेरा ऐसे था फेस क्या डरानी बात चल रही थी ऐसे तो कोई मॉन्स्टर नहीं, वहाँ पर यीशु मसीह का घर है ठीक है, वहाँ पर तो बोल क्यों नहीं पा रहे यार, जीसस क्राइस्ट का घर है वो, इसलिए वहाँ नहीं बोलते, वहाँ चुप बैठते हैं। क्यों? बेटा जीसस क्राइस्ट वहाँ पर शांति मिलती है, लोग वहाँ पर आते हैं पीस के लिए ठीक है, तो इसलिए पीस वहाँ पर होनी चाहिए। देखो ये ना पाकिस्तानी लोग हैं और वो भाई है जो वो बांग्लादेशी है जो बेच रहा है, इनको कह रहा पाकिस्तान बांग्लादेशी भाई, जब हमें मिलता था कहता इंडिया पाकिस्तानी भाई। सही है भाई, दुकानदारी में भाई चलता है। ट्रैवलिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा पता क्या है, जब आप कोई चीज़ देखते हो गूगल पे, कोई फ़ोटो देखते हो और फिर यार आप जब वहाँ पहुँच जाते हो ना उसे बकेट लिस्ट में डाल के अपनी, सबसे ज़्यादा मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि हमेशा इस जगह को मैं देखा करता था फ़ोटोज़ में सब जगह, और आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ ना, इसका जो मज़ा है ना वो अलग ही है। तो हम निकल चुके हैं स्पेनिश स्टेप से और जा रहे हैं पैंथियन की तरफ, और ये जो रोड है वाकई भाई दुनिया के सारे शोरूम जो भी है ना फैशन ब्रांड्स सब यहाँ पे हैं। मन्नी कुछ बोलेगा? K92 शॉप्स हैं पूरे अर्थ में बस कुछ ना कुछ इसे बोलना है बस वाह भाई, अगर आप ब्रांड्स के शौकीन हैं ना तो ये रोड है भाई आपके लिए। देखो भाई एक और ये गाड़ी, इसमें दो बैठ जाते हैं, वो एक वाली भी थी, छोटी छोटी कारें चलती हैं यहाँ पे। ये पता नहीं यो हनी सिंह लियोर कारें। और भाई ये है पेंथियन, जो आपने जेम्स बॉन्ड टाइप मूवीज में बहुत देखा होगा, ऋतिक रोशन बैठा होते हैं, जेम्स बॉन्ड बैठा होता है, वो ऐसे रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं पीछे जो हैं, और वहाँ से ये व्यू दिख रहा होता है पीछे का। तो ये पहले एक ओल्ड रोमन टेंपल था, अभी ये एक एक्टिव चर्च है, लेकिन 7 बजे तक बंद हो जाता है, मतलब लास्ट जो एंट्रेंस है वो 6:45 पे है। ह्यूज आर्किटेक्चर है भाई रोमन टाइम का, और क्या यार उन्होंने चीज़ें बनाई होंगी उस टाइम, कैसा आर्किटेक्चर दिखता होगा, ये कैसे पिलर बनाए होंगे, कमाल की कलाकारी है भाई कमाल का। रात के बज गए हैं 9 और हम पहुंचे हैं पियाजा नोवानो पे, जो कि एक चौक है और बहुत ही फेमस है भाई ये रोम में, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर, और यहाँ पर कुछ बने हुए हैं रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे आप आके खा पी सकते हो। हमारे बच्चे मज़े करते हुए पब्लिक बाहर से खाना वगैरह ला के जिलेटो वगैरह खा लेती है यहाँ पे, और रेस्टोरेंट भी है, आप बैठ सकते हैं रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं। और ये एक फाउंटेन है यहाँ, यार क्या आर्किटेक्चर है, आपको नहीं दिख रहा होगा, रात हो चुकी है और मैं रात को ही आना चाहता था क्योंकि लाइटिंग वगैरह में ना ये चीज़ें बहुत खूबसूरत दिखती हैं यार। और रोम में ना सारी जगह ऐसे बांग्लादेशी भाई जो हैं हमारे वो सामान बेच रहे हैं ये जो हेलीकॉप्टर से है ना ये बांग्लादेशी बेच रहे हैं 2-2 यूरो में, अपने वहाँ इंडिया गेट पर 20 रुपये में मिलते हैं।
इनसे चलेंगे वलेंगे नहीं, अभी खुश हुए जा रहे हैं। देखो हमारे से भी घर पे बहुत कम चलते हैं। ओ चला दिया भाई लड़के ने। हमारे इंडिया गेट पे खड़े होते हैं, बहुत ऊपर पर चला देते हैं यार। इसने अच्छा चलाया, चला लिया भाई, चला लिया है सोने। और हम बैठ गए हैं बस में और जा रहे हैं अपार्टमेंट की तरफ। बस बहुत खड़क रही थी भाई, बहुत शोर था। मन्नी शाबाश। और जो हमारा ट्रेन वाला पास था उसमें बस की टिकट भी इंक्लूड है। और भाई अब हमें आपको इजाज़त देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत थक गए हैं बच्चे। मन्नी तो बेचारा सोने लग गया है। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।